नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम चैप्टर 3.6 की शुरुआत करेंगे। इससे पहले क्लास में हमने दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्मों के हलों को तीन तरीके से, इससे पहले हमने ग्राफ विधि से तथा फिर हमने बीजगणितीय विधि से हल करना सीखा था। बीजगणितीय विधि भी हमने तीन तरीके से सीखी थी। पहली विधि क्या थी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखा था। इसके बाद में हमने सीखा था विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। फिर हमने तीसरा मेथड क्या सीखा था? वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने बीजगणित विधि के अंदर ये तीन तरीके हमने सीखे थे। अब हम इन तीनों तरीक़ों का अल्टरनेटिव, जो भी हमें आसान लगेगा, उनका यूज करके हम दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्मों को सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें? पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म के रूप में बदलकर हल कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है 1/2x + 1/3y = 2। हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। फिर सेकंड समीकरण भी ऐसी है, इसको भी हमें रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे कैसे, इनका तरीका क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या मान लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट 1/x = u, या कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं। 1/y = v। तो अगर हम 1/x की जगह u रखेंगे, 1/y की जगह v रखेंगे, तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या निकल के आएगी? यहाँ पे हमें समीकरण पहली निकल के आ जाएगी u/2। यहाँ से समीकरण निकल के आएगी u/2 + 1/y। हमने क्या माना है? v। तो इसके लिए क्या लिख लेंगे? v/3 = 2। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से यदि हम इसको चेंज करेंगे सेकंड समीकरण को, तो इसको क्या लिख लेंगे हम? u/3 + v/2 = 13/6, समीकरण नंबर सेकंड। अब ये हमारी समीकरण, दो समीकरण प्राप्त हुई है, इनको हमने सोल्व करना है। इनको सोल्व करेंगे, ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण के रूप में बदल गई है। अब इनको और अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें, इनको लिख क्या लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे इसको, तो ये हो क्या जाएगा? 3u + 2v = 12, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आएगा? 6, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 12। फिर इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको भी एलसीएम लेंगे, अगर 6 से 6 कट जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? 2u + 3v = 13। अब इनको सोल्व करेंगे यहाँ से। इनको सोल्व करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी तरीका अपनाएंगे। तो हम करते हैं इसको, अगर समीकरण फर्स्ट में इसमें अगर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको इक्वल कर लेते हैं। इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या चेंज हो जाएगा देखते हैं। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे यहाँ हो जाएगा ये 6u + 4v = 24। फिर इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कितना हो जाएगा? 6u + 9v = 39। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे? इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इनको सोल्व करेंगे, 4v - 9v, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? -5v = -15। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकलेगी? 5 3 15, यानी कि v की वैल्यू हमें मिली 3। अब v का मान समीकरण इस फर्स्ट में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 3u + 2 × 3 = 12। तो 3u =, तो
तीन दुनी छः, तो 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। हमें u और v की वैल्यू निकल गई है। अब हमने माना क्या था, हमने माना था कि लेट किया था हमने 1/x = u, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है हमारी 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू 1/2, हमें x की वैल्यू क्या मिली है, आधा 1/2। इसी तरीके से हमने y 1/y = क्या माना था, v, और v क्या है, 3। तो यहाँ से y = कितना होगा, 1/3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें क्या कह रखा है देखते हैं। इसमें हम क्या मान लेंगे, 1/√x को हम क्या मान लेंगे, u, और 1/√y को क्या मान लेंगे हम, v। तो यहाँ से अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, 2/2u + 3v = 2। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगी, ये 4u - 9v = -1। तो ये हो जाएगी इसको समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको समीकरण नंबर सेकंड। अब यदि हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को यदि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यदि समीकरण फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से इसको यहाँ पे लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 6u + 9v = 6। फिर दूसरी समीकरण क्या है, 4u - 9v = -1। अब इनको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस या आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 6u और 4u, तो कितना हो जाएंगे, यहाँ से 10u = ये कितना होगा, यहाँ से 5u की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, 1/2। u हमें क्या मिला, 1/2। अब u की वैल्यू हम किस में रख देंगे, समीकरण सेकंड में, तो u की वैल्यू समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 1/2 - 9v = -1। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 2 बार, तो -9v = -1 और -2। तो यहाँ से 9v = -3, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/3। वी की वैल्यू हमें 1/3 मिली। अब इनको यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स वाई की कैसे वैल्यू निकालेंगे, हमें क्या दे रखा है, 1, हमने माना क्या था, 1/√x = u, और u की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1/2। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, और फिर उल्टा कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो इसी तरीके से हमने क्या माना है, 1/√y = v, v कितना है, 1/3। इसी तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे और उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से y = कितना हो जाएगा, 9। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 9, x की वैल्यू हमें मिली 4, और y की वैल्यू क्या मिली हमें, 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें क्या मानेंगे हम, 1/x को क्या मान लेंगे हम, u, 1/x को u मानेंगे। तो यहीं पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, 4u + 3y। अब हम y को मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, ये लीनियर फॉर्म में है खुद से ही, तो इसको हम मानेंगे नहीं यहाँ पे, y को ऐसे एज इट इज रखेंगे। समीकरण नंबर इसको क्या दे लेंगे, फर्स्ट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3u - 4y = 23, समीकरण नंबर सेकंड। इनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या कर लेते हैं, इस समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 4 से, और समीकरण सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, यहाँ से 4 × 16, 16u + 4 = 12y = और 14 × 56। अब समीकरण इसको क्या लिख लेते हैं, समीकरण थर्ड, समीकरण सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना हो जाएगा, 3 × 9u - 4 × 12 = 23 / 69। यहाँ से अगर हम इनको क्या करेंगे,
ऐड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 15, 16 और 9, यहाँ से हो जाएगा ये 24, सॉरी यहाँ से हो जाएगा ये 25, 15 और 9 25 हो जाएगा ये, यहाँ पे 25 यू इज इक्वल टू, और इनको आपस में ऐड करेंगे ये 5 और कैरी 1, 11 एक 12 है, ये 12 हो जाएगा, तो यू की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से, यू की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है 5। अब यू की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में, यहाँ से वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 इंटू यू की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से 5 चौक 20, तो 3 वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 20, कैंसिल करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा -6/3, वैल्यू क्या मिलेगी -2। अब हमने यहाँ पे वाई की वैल्यू को नहीं माना था, तो y की वैल्यू हमें मिली है क्या -2, y की वैल्यू हम एज इट इज रख लेते हैं। फिर हमने क्या माना था, 1/x इक्वल टू u माना था, और u की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ से x की वैल्यू उल्टा करेंगे कितना हो जाएगी 5, तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -2। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या मानेंगे हम, इसमें मान लेते हैं 1/x-1 इज इक्वल टू यू मान लेंगे, और 1/y-2 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, वी। यहाँ से हम इसको इक्वेशन बना लेंगे, तो क्या होगा ये 5u+v इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर फर्स्ट, और समीकरण नंबर सेकंड क्या होगी 6u-3v इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट में यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 15u+3v इज इक्वल टू 6, और ये क्या है 6u-3v इज इक्वल टू 1। अब इनको सोल्व करेंगे आपस में कट जाएगा, तो 15u और 6u कितना हो जाएगा यहाँ से 21u इज इक्वल टू 6 और 1 7, तो u का वैल्यू क्या निकल गई 7/21 यानी कि 1/3, तो u की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, u इज इक्वल टू निकल के आया क्या 1/3। अब u की वैल्यू हम समीकरण सेकंड में रख लेते हैं, तो 6 इंटू u की वैल्यू 1/3 -3v इज इक्वल टू 1, ये दो बार जाएगा, तो यहाँ से -3v इज इक्वल टू क्या होगा 1-2 यानी कि -1, और v इज इक्वल टू क्या होगा -1/3, और माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/3। अब यहाँ से v और u की वैल्यू हमें मिल गई है, दोनों क्या निकल के आए 1/3 और 1/3। अब यहाँ से हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, हमने क्या माना था 1/x-1 इज इक्वल टू यू, और यू की वैल्यू क्या निकल के आई है 1/3, यहाँ से इनको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 4। इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या माना था 1/y-2 इज इक्वल टू वी, और वी की वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ से अगर इनको क्रॉस में सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू y-2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 5, तो x इज इक्वल टू कितना है 4 और y इज इक्वल टू कितना है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th है इसमें, इसमें क्या क्या रखा है, इनको हम क्या सोल्व कर लेंगे, अलग अलग हम x y से भाग करेंगे यदि हम इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7x/xy, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, अगर इसको अलग अलग हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7/7x/xy और -2y/xy इक्वल टू 5। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के क्या आ जाएगा 7/y-2/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि हम पहली समीकरण जनरेट करें, तो इस समीकरण को हम लिख क्या लेंगे 7/y-2/x
दो बटे एक्स इजकल टू 5, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से समीकरण सेकंड को यदि लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ये 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15, समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ से हम मानने की स्थिति में आ गए हैं, यहाँ से तो हम क्या मानेंगे, 1 अपॉन x इजकल टू क्या मानेंगे u, और 1 अपॉन y इजकल टू क्या मानेंगे v। तो यहाँ से समीकरण क्या बन के आएगी, यहाँ से समीकरण कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन y हमने माना है v, तो 7v माइनस 2u बराबर 5, समीकरण नंबर थर्ड। फिर इसी तरीके से इसको क्या लिख लेंगे, 8v प्लस 7u इजिकल टू 15, समीकरण नंबर फोर। अब इनको यदि सोल्व करेंगे यहाँ से, कि हम इनको सोल्व करेंगे तो u इजकल टू भी क्या आएगा 1, और v इजकल टू भी क्या आएगा यहाँ से 1। u और v की दोनों की वैल्यू 1 आएगी। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू निकाल देंगे सीधा, हमने क्या माना है 1 अपॉन x इजकल टू क्या माना है हमने u, और u की वैल्यू क्या सोल्व करके आई है, सोल्व करके यहाँ से u और v की वैल्यू हम निकाल लेंगे, u की वैल्यू भी 1 में आएगी और v की वैल्यू भी 1 आएगी। तो यहाँ से 1 अपॉन x इजकल टू u, और u क्या है 1 है, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ से 1। इसी तरीके से 1 अपॉन y इजकल टू कितना है हमारा, 1 अपॉन y इजकल टू भी हमारा क्या है v, और v की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी हमें 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी सेम अगर हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, लीनियर इक्वेशन, तो क्यों एक्स वाई से इधर इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 अपॉन x, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से y, 6y अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इजिकल टू 6, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन x से x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 4 अपॉन x इजिकल टू कितना हो जाएगा ये 5, समीकरण नंबर सेकेंड। अब इनको यहाँ से हम मान लेंगे क्या, लेट कर लेंगे 1 अपॉन x इजिकल टू u और 1 अपॉन y इजिकल टू v। यहाँ से इक्वेशन क्या होगी, 1 अपॉन y को क्या मानना है हमने v, तो 6v प्लस 3u इजिकल टू 6, समीकरण नंबर थर्ड। अब यहाँ पे 1 अपॉन y क्या मानना है, इसको क्या लिख लेंगे, 2v प्लस 4u इजिकल टू 5, समीकरण नंबर फोर। अब इनको यहाँ से सोल्व करके हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यदि हम इनको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण फोर में यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यदि 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो क्या जाएगी, 6v प्लस 12u इजिकल टू 15, समीकरण नंबर फिफ्थ मान लेंगे। अब समीकरण थर्ड और फिफ्थ इसको आपस में घटाएंगे, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से बचेगा क्या, 3u माइनस 12, यानी कि -9u इजिकल टू, और इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ से -9, माइनस से माइनस कैंसिल, यू की वैल्यू क्या मिलेगी 1, यू की वैल्यू हमें क्या मिली है यहाँ से 1। अब यू का मान समीकरण किसी में भी रख देते हैं, समीकरण थर्ड में या फोर्थ में, थर्ड में रखेंगे तो 6 इंटू v प्लस 3 इंटू 1 इजिकल टू 6, तो 6v इजिकल टू, ये 3 इधर जाके माइनस में घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी 3 अपॉन 6, यानी कि 1 अपॉन 2। अब v की वैल्यू हमें 1 अपॉन 2 मिली है। अब यहाँ से x और y के मान निकाल लेते हैं, 1 अपॉन x क्या माना था हमने u, और u की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या मिलेगी 1। फिर हमने y अपॉन y इजिकल टू क्या माना था, 1 अपॉन y इजिकल टू v माना था, और v की वैल्यू क्या मिली है 2, यहाँ से y इजिकल टू क्या हो जाएगा 2।
एक्स और वाई की यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें, एक्स इजकल टू वन और वाई इजकल टू क्या मिला है हमें, टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या कह रखा है, यहां से हम इसको मानेंगे क्या, हम मान लेते हैं वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू और वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वी। तो यहां से समीकरण क्या हो जाएगी, तैयार होके समीकरण टेन यू प्लस टू वी इक्वल टू फोर, समीकरण नंबर फर्स्ट। और यहां से पंद्रह यू प्लस सॉरी माइनस, यहां से इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस फाइव वी इजकल टू माइनस टू, समीकरण नंबर सेकेंड। अब इनको सोल्व करेंगे आपस में, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट को इसको यहाँ से तीन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको तीन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी पाँच से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दो से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो समीकरण क्या हो जाएगी, पाँच से इसको मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, 50u प्लस 5 × 10v इजिकल टू, तो 5 × 20, समीकरण नंबर थर्ड। इसी तरीके से समीकरण सेकंड को दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 30u माइनस 5 × 10, 10v इजिकल टू माइनस 4, समीकरण नंबर फोर। अब यहाँ से यदि हम इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपस में 10u v से 10v कैंसिल हो जाएगा, तो 50u में से और जोड़ेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 80u इजिकल टू, अब यहाँ से इसमें घट जाएगा, ये कितना होगा माइनस सॉरी प्लस के 16, और u इजिकल टू कितना होगा, 16/80, मतलब 16×5 = 80, यानी कि 1/5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, v u की वैल्यू क्या मिली है हमें, u की वैल्यू मिली है 1/5। अब u का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, प्लस 2 × v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से क्या रखेंगे हम, 10 × u की वैल्यू 1/5 प्लस 2v इजिकल टू 4, तो 5 से कितनी बार जाएगा, दो बार, तो 2v इजिकल टू 2, तो यहाँ से v इजिकल टू क्या मिला, यहाँ से v इजिकल टू 1, v इजिकल टू 1 और u इजिकल टू 1/5। अब हमने माना क्या था, अब यहाँ से x y का मान निकालेंगे हम, माना क्या था हमने, 1/x + y इजिकल टू क्या माना था हमने, u, और u की वैल्यू क्या है, 1/5। अब यहाँ से क्रॉस करके सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से x + y इक्वल टू 5, इसको समीकरण नंबर ए का नाम देंगे। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से हमें दिया रखा है x - y इक्वल टू कितना, v और v की वैल्यू 1 आई है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x - y इक्वल टू 1, समीकरण नंबर बी। अब ए और बी को आपस में सोल्व करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, यदि ए और बी को आपस में जोड़ेंगे, समीकरण ए और बी को आपस में जोड़ेंगे, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x = 1 और 5 यानी कि 6, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, 3, x = 3 और x का मान किसी में भी रखेंगे, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y = क्या मिलेगा यहाँ से, 2। तो x और y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है, x = 3 और y = 2। अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ से हम 1/3x + y को क्या मान लेते हैं हम, u, और इसी तरीके से 1/3x - y को क्या मान लेंगे, v। यहाँ से समीकरण क्या तैयार होके होगी हमारी, यहाँ से समीकरण क्या हो जाएगी, यानी कि u प्लस v इजिकल टू 3/4, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, u/2 - यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस v/2,
इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एट, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से ये 2 चार बार जाएगा, 2 चौक 8, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, यू माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 4, समीकरण नंबर सेकेंड। अब इनको आपस में सोल्व करेंगे जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को यदि हमने जोड़ दिया, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड को यदि हमने जोड़ा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी से वी कैंसिल, तो 2u इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा ऊपर, यानी कि 3/4 माइनस 1/4, 3 में से 1 घटाएंगे, 2/4 यानी कि 1/2, यू 2u इज इक्वल टू 1/2, तो u की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, 1/4, u इज इक्वल टू 1/4। अब u का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो v की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 3/4 माइनस 1/4, तो इसमें से इसको घटाएंगे, फिर वही वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/2। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू क्या मिली है, 1/2, और u की वैल्यू क्या मिली है, 1/4। अब यहाँ से हम इनको क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमने क्या माना था, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू, और u की वैल्यू क्या निकल के आया अभी, 1/4, और v की वैल्यू क्या निकल के आई अभी, 1/2। अब यदि हम इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, अब ये लीनियर इक्वेशन में चेंज होगी, इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, अब ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो गया समीकरण, आपस में इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कैंसिल आउट क्या होगा, यहाँ से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना होगा यहाँ से, 6x इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स का मान समीकरण फर्स्ट या ए में या बी में रखेंगे तो यहाँ से 3x 3 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 1। तो x और y की वैल्यू क्या निकल के आई है, x इज इक्वल टू भी यहाँ से 1 निकला है और y इज इक्वल टू भी क्या निकला है, यहाँ से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या दे रखा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से समीकरणों को हमें रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन पहला दे रखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मान लेते हैं, माना माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल, तो स्थिर जल में हम चाल क्या मान लेते हैं, यू मान लेंगे, और धारा की चाल माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, धारा की चाल को क्या मान लेंगे हम, वी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है, यदि ये क्या हो रही है, डायरेक्शन ऑफ जल, या वाटर की डायरेक्शन ये है इस साइड में, ठीक है, और ये क्या है, यू, और कोई भी व्यक्ति जिसका नाम, जो वी स्पीड से जा रहा है, व्यक्ति की जो स्पीड है वी है और धारा की स्पीड कितनी है, यू, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में बहेंगे, यानी कि धारा इस तरफ बह रही है और व्यक्ति भी इस तरफ जा रहा है, तो आपस में इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, यू प्लस वी, यानी कि एक ही साइड में यदि दोनों स्पीड है, यानी कि धारा की चाल भी इसी दिशा में है और व्यक्ति की चाल भी इसी दिशा में है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर धारा की स्पीड इस साइड में है और व्यक्ति की स्पीड क्या है, अपोजिट है, इस साइड में है, यानी कि व्यक्ति की चाल इस साइड में है, तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या मिलेगा, व्यक्ति की चाल क्यों चूंकि ज़्यादा होगी, व्यक्ति की चाल में से हम धारा की चाल को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ये कॉन्सेप्ट था यहाँ से, यानी कि धारा की दिशा में हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और धारा की विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे यहाँ से। तो इसमें क्या दे रखा है, अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि धारा के अनुकूल का मतलब दोनों
धारा की दिशा में है, धारा की चाल की दिशा में ऋतु आपस में तैर रही है, तो यहाँ से 20 किलोमीटर की जो दूरी है, दूरी बटे चाल, एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय, ये फॉर्मूला है, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। तो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी, चाल क्या हो जाएगी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, यू प्लस वी इज इक्वल टू, समय क्या है, 2 घंटे, 2 घंटे में जा रही है, इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं यू प्लस वी इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है इसने, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब अब क्या करेंगे हम, ऋतु की चाल में से धारा की चाल को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ से फिर भी वो कितनी चल रहा है, 4 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी अब हम क्या करेंगे, ऋतु की चाल में से धारा की चाल को आपस में घटा देंगे, तो विपरीत हो जाएगी चाल, और ये डिस्टेंस कितने में तय करता है, 2 घंटे में, ये समय हो जाएगा, दूरी बटे चाल कितना, समय। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यू माइनस वी इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हमें 2 समीकरण प्राप्त हुई है, यू प्लस वी बराबर 10 और यू माइनस वी बराबर 2। अब इनको सोल्व करेंगे आपस में, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपस में दोनों को, समीकरण फर्स्ट को और सेकेंड को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो यहाँ से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या लिख लेंगे, 2u इज इक्वल टू 10 और 2 12, तो यहाँ से u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, u की वैल्यू यहाँ से हमें 6 मिल जाएगी, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि u कितना है, 6 प्लस v इज इक्वल टू 10, और यहाँ से v इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 4, v की वैल्यू हमें मिली है 4 और u की वैल्यू मिली है हमें 6। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, 2 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं वह 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ज्ञात कीजिए कि कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को एक पुरुष कितना कार्य लेगा। तो हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं, माना एक महिला एक काम को x दिनों में समाप्त करेगी, माना एक महिला काम को एक्स दिन में समाप्त करेगी, काम को एक्स दिन में समाप्त करेगी, इसी तरीके से एक पुरुष इसको किसने में करेगा, एक पुरुष के काम को हम क्या मान लेते हैं, वाई दिन में समाप्त करेगा। तो यहां से नेक्स्ट लाइन में यदि एक महिला काम को एक्स दिन में पूरा कर रही है, तो एक महिला का एक दिन का काम क्या होगा, एक महिला का एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x। एक एक नियम से एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, फिर एक बटे एक्स। इसी तरीके से एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 1/y, यानी कि एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो पुरुष करता है 1/y। अब इसने क्या बोला है, 2 महिलाएं, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 1/x, यदि 2 महिलाएं की बात करेंगे तो कितना काम करेगी, 2/x प्लस एक दिन की बात चल रही है ये, और ये कितने करेगी, 5/y। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इनको सोल्व करेंगे, एक दिन का काम है ये टोटल, यानी कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में इतना काम करते हैं, यदि इनको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ से एक्स वाई, यहाँ से 2y प्लस 5x, ये क्या है, एक दिन का काम है, तो इसने क्या बोला है, एक साथ 4 दिनों में, तो अगर इसको 4 दिन का काम करेंगे, एक दिन में इतना काम हो रहा है, तो पूरा काम कितना होगा, पूरा काम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि एक्स y अपॉन 2y प्लस 5x इज इक्वल टू कितना, 4।
पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है, 4 दिनों में। तो यहाँ से समीकरण पहली ये इक्वेशन हमें मिल गई है, समीकरण नंबर ए, इसको समीकरण नंबर ए का नाम दे लेते हैं। फिर केस सेकंड के अकॉर्डिंग क्या इसको लिखेंगे हम, 3 अपॉन x प्लस 6 अपॉन y, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, x इंटू वाई यानी कि 3y प्लस 6x। यहाँ से अगर हम एक दिन का पूरा काम की बात करेंगे, पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 3 दिनों में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा काम, ये सिर्फ एक दिन का काम है, पूरा काम। पूरा काम कैसे लिखेंगे हम, यानी कि एक्स वाई अपॉन 3y प्लस 6x इक्वल टू 3, समीकरण नंबर बी। हमें ए और बी समीकरण दो मिल गई है। अब यहाँ से इनको सोल्व करेंगे यदि, तो सोल्व करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं, स्पेस करेंगे यहाँ से हम थोड़ा सा मैनेज। यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसको उल्टा कर लेंगे समीकरण नंबर एक को, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 2y प्लस 5x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन 4, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3y प्लस 6x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन 3। यहाँ से हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से अलग अलग यदि हम करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 4। इसी तरीके से यदि हम इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अपॉन y प्लस 6 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब यहाँ से लेट कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं क्या, माना 1 अपॉन x इक्वल टू यू और 1 अपॉन y इक्वल टू वी। तो यहाँ से समीकरण क्या तैयार होगी, 2u प्लस 5v इक्वल टू 1 अपॉन 4, और इसी तरीके से 3u प्लस 6v इक्वल टू 1 अपॉन 3। इनको यदि आपस में सोल्व करेंगे, यहाँ से u क्या निकल के आएगा, यदि हम इनको सोल्व करेंगे तो u की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से 1 अपॉन 18, और यदि हम सोल्व करेंगे v की वैल्यू क्या से, यहाँ से क्या मिलेगी हमें, 1 अपॉन 36। तो अगर यहाँ से फिर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, 1 अपॉन x क्या माना है हमने, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x u माना है, तो u की वैल्यू 1 अपॉन 18। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18। और इसी तरीके से यहाँ से 1 अपॉन y v मानना है, वो ये क्या हो जाएगा, 36। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 36। तो एक महिला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, यहाँ से 18 दिनों में, और एक पुरुष इस काम को कितने दिन में काम करेगा, समाप्त करेगा, 36 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती तो उसे 4 घंटे लगते। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से तय करती तो 10 मिनट अधिक लगते। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से क्या मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लेते हैं हम यहाँ से, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल, फिर बस की चाल को क्या मान लेते हैं, बस की चाल को क्या मान लेते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर, यहाँ से इसको लिखेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर और वाई किलोमीटर पर आवर। अब केस फर्स्ट क्या दे रखा है, 300 किलोमीटर की दूरी चलता है वो,
300 किलोमीटर की दूरी का मतलब यहाँ से 300 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगा। तो इसने क्या बोला है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, पहली कंडीशन क्या है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से मतलब 60 की डिस्टेंस चलेगा रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर की दूरी, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है एक्स, ये दूरी बटे चाल इतना समय हुआ। फिर इसने कहा शेष बस द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी है 300, शेष बची कितना 240, क्योंकि 60 उसने रेलगाड़ी से तय की है तो बची कितनी 240, टोटल डिस्टेंस 300 है और ये सॉरी बस से तय किया 240 और इसकी स्पीड कितनी है वाई, टोटल इसको टाइम कितना लगा है यहाँ से तय करने में, इसको 4 घंटे लगे, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब केस सेकंड के अकॉर्डिंग क्या क्या रखा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से यानी कि 100 किलोमीटर यदि वो रेलगाड़ी से चलता तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या मानी हमने एक्स और बचा कितना 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर वाई से जाता तो इसको क्या क्या रखा है, तो 10 मिनट अधिक लगते यानी कि अब इसको क्या लगेगा 4 घंटे, और 10 मिनट को यदि घंटे में बदलेंगे तो 60, 10/60 यानी कि 1/6, तो 6 चौक 24 और 1 25, इसको क्या लिख सकते हैं 25/6 घंटे, समीकरण नंबर सेकंड। दो समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब यहाँ से मान लेते हैं 1/x = u, यहाँ से क्या मानेंगे 1/x = u और 1/y = v, तो ये कितना होगा यहाँ से 60u + 240v = 4, समीकरण नंबर थर्ड। फिर इसको क्या मान लेते हैं हम यहाँ से 100u + 200v = 25/6, समीकरण नंबर फोर। अब यहाँ से इनको आपस में करेंगे क्या हम सोल्व, तो u और v की सोल्व करने से यहाँ से u और v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से यदि हम इनको सोल्व करेंगे तो u यानी u की वैल्यू निकल के आएगी 1/60 और v की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 1/80, यहाँ से u और v की वैल्यू ये निकल के आई है। अब हमने क्या माना था u, u क्या माना था हमने 1/x, 1/x = u माना था और u कितना है 1/60, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं x = कितना है यहाँ से 60, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 60। इसी तरीके से हमने क्या माना था 1/y = कितना 1/80, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 80, तो हम क्या कह सकते हैं रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की जो चाल है वो कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।